तो गाइस काफी दिनों से न्यू गेम्स नहीं आया और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात पे। मैंने सोचा काफी दिन से मेरा ऑडियंस को अच्छा वाला ऑफलाइन गेम नहीं प्रोवाइड किया है। दिन मैंने प्ले स्टोर के ऊपर छानबीन शुरू कर दिया और फाइनली मिल गया कुछ तगड़े वाला ऑफलाइन गेम जिसको देखकर पूरा खुश हो जाओगे, जिसमें देखने को मिलेगा कार ड्राइविंग से बाइक ड्राइविंग, ट्रेन सिमुलेटर एंड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम। सारे के सारे गेम्स रियली काफी जबरदस्त होने वाला है। और गाइस कोई भी गेम्स को मिस मत करना क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से नहीं रखा गया है। सभी गेम्स को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स बिगिन एंड बात करते हैं नंबर 5th गेम के बारे में। पहली गेम की शुरुआत करते हैं ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम में से जिसका नाम है ड्राइविंग अरेस। ये गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है। बेसिकली इस गेम में आपको फोर्ज़ा होराइज़न गेम के जैसा काफी बड़ा लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जहाँ पे आपको रेसिंग करना पड़ता है। और अगर आप चाहो तो फिर लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो जिसमें ऑफ रोडिंग के साथ फुल स्पीड में ड्राइविंग कर पाओगे और जो सामने से कार जाएगा वो काफी ज्यादा धूल उड़ाता है एंड काफी सही लगता है देखने में। गेम साथ में ओपी लेवल का होने वाला है, अगर आप खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिसाइड बहुत सारे नॉर्मल टू स्पोर्ट्स कार भी देखने को मिलता है। रेसिंग करते टाइम ओपोनेंट प्लेयर के साथ वैगनर, फोर्ड, थार, जीप गाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे। अब ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स इतना रियलिस्टिक देखने को मिलता है क्या ही बोलूं। सो अगर आप एक ऐसा गेम ढूंढ रहे हो जिसमें होना चाहिए एक मैसिव ओपन वर्ल्ड मैप जो आप सोच भी नहीं सकते हो और साथ में ऑफ रोडिंग, हाईवे ड्राइविंग, जंगल एरिया ड्राइविंग के साथ इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो अगर आपके पास मिनिमम 3GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। गाइस लिस्ट पे नंबर 4th रैंक पर हेल राइडर 3 एक ऑफलाइन गेम है एंड एनिमेटेड टाइप ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलता है और इस टाइप का ग्राफिक्स पर्सनली मेरे को काफी सही लगता है। अब इस गेम के बारे में बोले तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट के ऊपर से बाइक ड्राइविंग करके ओपोनेंट को डिफीट करना पड़ता है। लाइक गन एंड ग्रेनेड को फेंक के ब्लास्ट कर पाओगे एंड डोंट वरी वो भी आपको चांस से ड्राइविंग करने नहीं देगा क्योंकि वो भी सेम आपके जैसा ही सब कुछ इस्तेमाल करके आपको ब्लास्ट करने का कोशिश करेगा। गेम साज में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। बिसाइड ऑनलाइन प्लेयर के साथ मल्टीप्लेयर में भी ठीक ऐसे ही हरकतें कर सकते हो। खेलते टाइम कैरेक्टर को अपग्रेड, अलग अलग वेव पॉइंट्स एंड ऑल्सो बाइक को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। और रही बात गेम की ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स एनिमेटेड टाइप के साथ कमाल की एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिसका गेमिंग साउंड जस्ट ओपी होने वाला है। तो भाई अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो इस गेम को एक बार ट्राई करना तो बनता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई हमारे लिस्ट पे नंबर 3rd रैंक पर है ट्रेन प्रो यूएसए। ये इंडियन गेम नहीं है गाइस। क्या आपने कभी ट्रेन सिमुलेटर प्रो 2018 गेम को कभी खेला है? क्योंकि इस गेम का बड़ा भाई ये गेम जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और काफी ज्यादा धूम मचा है प्ले स्टोर के ऊपर। एक्चुअली ये गेम यूएसए मैप के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आपको सेम ट्रेन गेम के जैसा ही पैसेंजर एंड गुड्स को लेके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना पड़ेगा। बट मेरे को एक चीज सबसे जबरदस्त लगा है इस गेम का कॉन्सेप्ट। बेसिकली पहले आपको एक नॉर्मल लोकोमोटिव के साथ एक दो कोचेस के साथ ट्रेन को लेके जाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन एरिया में एंड आपको सिखाया जाएगा कैसे ट्रेन को कम्प्लीटली कंट्रोल करे। देन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इंटरेस्टिंग मिशन कंप्लीट कर पाओगे। एक और मजेदार चीज की इसमें ट्रेन में केबिन लाइट जो एकदम पीसी में ट्रेन सिमुलेटर के जैसा ही फील देता है। साथ में बहुत सारे कैमरा व्यू एंगल्स भी देखने को मिलेगा। पर्सनली मेरे को सबसे बेस्ट लगा है इस गेम का ग्राफिक्स एंड कंट्रोल। इतना आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग ग्राफिक्स एंड साथ में रियलिस्टिक कंट्रोल, साथ में ऐसा लगता है इतना स्मूथली ट्रेन कैसे चल रहा है। लेकिन स्मूथली खेलने के लिए आपके पास एक हैंडी डिवाइस होना जरूरी है मेरे भाई। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो लिस्ट पे नंबर 2nd रैंक पर है द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2 एक सर्वाइवल आरपीजी एंड फर्स्ट पर्सन ज़ॉम्बी शूटर गेम है। गेम की शुरुआत होता है एक जगह से जहाँ पे पूरा भरा है ज़ॉम्बी से। तो एक माँ एक बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद वो माँ भी इन्फेक्टेड बन जाता है। देन आपको उस बच्चे को बचा के सभी ज़ॉम्बीज को किल करना होता है। देन वो बच्चे 20 साल बाद बड़ा होकर आपको उस लड़के का रोल प्ले करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी एंड बिग मॉन्स्टर को मारकर सर्वाइव करके बचना होगा। जो मिशन से पूरा स्टोरी मोड के जैसा ही भरा पड़ा है। गेम का कॉन्सेप्ट रियली काफी ज्यादा यूनिक रखा गया है क्योंकि पूरा मैप में पूरा ज़ॉम्बी का राज चलता है और नंबर में बहुत सारे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट गन के साथ डिफरेंट एमो ग्रेनेड्स मिली इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी का पूरा निशान मिटाना होगा। इनफैक्ट आप खुद उन से हील एंड फूड खा के बूस्ट कर पाओगी। आप ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स पॉलीगॉन ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलेगा और गेम का एनवायरनमेंट साउंड भी माइंड ब्लोइंग है गाइस। तो गाइस एक साथ में काफी जबरदस्त गेम है, आई थिंक सभी को डेफिनेटली खेलना चाहिए। तो अब चलते हैं लास्ट गेम में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट पे नंबर 1 गेम में और वो गेम है रियल ड्राइवर लेजेंड। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। ये गेम इतना फैंटास्टिक है भाई क्या बताऊं आपको। बेसिकली इस गेम में टोटल 4 मोड अवेलेबल है लाइक रेस, टाइम, क्लीन एंड ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड जिसमें ऑलमोस्ट 100 प्लस रियल ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग मिशन एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं सभी मिशंस का जो प्लेस देखने को मिलता है जस्ट अमेजिंग एनवायरनमेंट के साथ देखने को मिलता है। साथ ही साथ टोटल 18 प्लस कार्स अवेलेबल है जिसमें फरारी एंड लैम्बोर्गिनी भी चला पाओगे। लेकिन ड्राइव करने के लिए मिशन कंप्लीट करके खेलना जरूरी है। ड्राइविंग करते टाइम अलग अलग कैमरा एंगल्स और फर्स्ट पर्सन मोड में ड्राइविंग जस्ट ओपी लगता है। एंड एक और चीज इसमें और कई सारे डिफरेंट मिशंस ऐड होने वाला है न्यू अपडेट के थ्रू। तो ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स एंड एनवायरनमेंट साथ में मेरे को माइंड ब्लोइंग लगा है। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप में इंटरेस्टिंग मिशंस को कंप्लीट करने में आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो अगर आपके पास मिनिमम 2GB
गेम का डिवाइस है तो इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस वीडियो बस इतना ही, कौन सा गेम आपको पसंद आए प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को तो भाई सभी गेम्स खेलने में काफी बढ़िया लगा है। सो वीडियो तो इधर ही खत्म, फिर मिलते अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।